प्याज की आसमान छूती कीमतों को देखते हुए जिला आपूर्ति विभाग द्वारा शहर के 11 गोदामों की जांच की गई। इस जांच में आढ़तियों के पास काफी कम प्याज पाया गया। जिला खाद्यान्न आपूर्ति अधिकारी पीयू काले ने अपनी टीम के साथ कृषि उपज मंडी में प्याज के व्यवसायियों के गोदामों में रखे प्याज के स्टॉक की जाँच की। लगभग 11 आढ़तियों के प्रतिष्ठानों को भेंट देकर प्याज के स्टॉक को जांचा गया। बाद में आपूर्ति अधिकारी ने जानकारी दी कि शासन की ओर से तय किए गए नियमों के बाहर किसी आढ़तीय के पास प्याज नहीं रखी गई है, बल्कि तय की गई सीमित सीमा से काफ़ी कम प्याज इस समय जांच पड़ताल के दौरान नजर आई। जीवनावश्यक वस्तु प्याज की आसमान को छूने वाली कीमतें आम नागरिकों के काबू से बाहर हो गई है। कहीं 70 तो कहीं 100 या इससे अधिक दामों पर प्रति किलो प्याज बेचा जा रहा है। वर्तमान हालात को नियंत्रण में रखने के लिए शासन की ओर से किए जा रहे प्रयासों में प्याज के खुदरा व होलसेल व्यापारियों को एक सीमित वजन में स्टॉक रखने की अनुमति दी गई है। इससे अधिक प्याज को रखने पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। आपूर्ति अधिकारी बीयू काले ने आपूर्ति विभाग की तीजन कर व अन्य सहयोगियों के साथ प्याज के स्टॉक की पड़ताल की। कांद्याचे भाव वाढू नये त्यासाठी साठा निर्बंध केलेले आहेत। गाव व्यापाऱ्यांसाठी 25 मेट्रिक टन आणि शेतकऱ्यांसाठी 5 मेट्रिक टन जेवढा धान्य ते जेवढा कांदा साठवून घेऊ शकतो त्या व्यतिरिक्त समजा जर असलं तर इसिया अंतर्गत कारवाई करा असे शासनाचे निर्देश आहेत। आज आम्ही अन्नधान्य वितरण अधिकारी निरीक्षण अधिकारी अकोला यांच्यासोबत कृषीपूर्ण बाजार समितीचे मध्ये जे गोडाऊन्स आहेत किंवा जे व्यापारी आहेत जे अडते आहेत त्यांची आम्ही पाहणी करत आहोत।